नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश शुक्ला। आप देख रहे हैं सीतापुर वाइस। सीतापुर के पुराने सीतापुर में एक परिवार पर बिजली विभाग का लगभग 2 लाख रुपए बकाया वसूलने गई बिजली विभाग की टीम पर महिलाओं तथा स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया है। इस हमले से बचने के लिए जेई और अन्य कर्मचारी अपनी जान बचाने भागते दिखाई दिए हैं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। बिजली विभाग के जेई ने बताया है कि बिजली का बकाया भुगतान न करने पर हमें कनेक्शन काटने के आदेश दिए गए थे, जिसके अनुपालन करते हुए हमने कनेक्शन काटा। कनेक्शन काटते ही महिलाएं एवं स्थानीय लोगों ने हम पर हमला कर दिया है, जिसमें हमें चोटें आई हैं। विद्युत विभाग के जेई ने कोतवाली में घटना के विषय में लिखित तहरीर दी है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। एक टीम हमारी पहुंची कटियारा हिमा बड़े इमाम वाले के पीछे पालकी गेस्ट हाउस के पास। श्री अच्छन खां का 191,580 रुपये बकाया था। माँ विवाद करने लगे। स्टाफ ने कहा सर आज ये कनेक्शन नहीं कटवा रहा। हम गए, हम तो सीढ़ी से भी दूर खड़े थे। हमने क्यों नहीं कटेगा अभी जब आदेश है तो। हमने कनेक्शन कटवाया, आप बाइट में दे सकते हैं। कनेक्शन कटवाया, कनेक्शन के बाद हमने कहा अगर दोबारा जोड़ा मिल गया तो हम कार्रवाई कर देंगे। बस उसके बाद पता नहीं चलता महिलाएं 8-10 महिलाएं अंदर निकली और दौड़ाना शुरू कर दिया। और उनके घर के सामने दुकान थी, उसमें जो आदमी बैठे हुए थे जैसे सब प्लान था, उन्होंने दौड़ के मारना शुरू कर दिया। कम से कम हम लोग 100-200-300 मीटर दूर मेरा सुरक्षा निदेशालय का ऑफिस है, उसके अंदर घुसे। तो उसके अंदर जैसे हम घुसने लगे तो फिर धक्का दे दिया, तो मेरे पैर में बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है, पैर मुड़ नहीं पा रहा, आप देखिए सर। और हमारा स्टाफ हमको बचा रहा तो उसको ये खुद धक्का दिया। एक मेरे स्टाफ के कंधे में दर्द चोट है और एक हमारे स्टाफ का मोबाइल छीना गया, उसके हाथ पैर में चोट है। कितने लोग थे? हम 7 लोग टीम गई थी, एक हम 8। कितने लोगों ने हमला किया? सर हमला तो उतने मतलब दौड़ ही रहे थे हम लोग, घर से 8-10 औरतें निकल आई और करीबन जो दुकान उनके घर के सामने दुकान थी वहाँ 5-6 लोग बैठे थे। मोहम्मद राशिद खान, यही पुराना सीतापुर।